आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा और जैस्मिन जी का एज अ कपल कनाडा के अंदर महीने का कितना खर्चा होता है एक बेसिक सा लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए। साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मैं और जैस्मिन जी किस तरीके से थोड़े बहुत डॉलर सेव कर पाते हैं हर महीने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर जैसे भी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर नए नए आए हो या फिर एक दो साल से ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हो, तो हमारे जैसा लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए आपको महीने के कितने डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें मेरा जो कपल वाला हिसाब किताब है जैस्मिन जी वो चाहिए होंगी, तो उनको बुलाते हैं। तो भाई ये है जैस्मिन जी, इनको ऑलरेडी आप एक दो वीडियोस में मेरी देख चुके हो। ये है मेरी धर्म पत्नी जिनको मैं 16 साल से जानता हूं। अगर आप हमारी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो इनके चैनल पे आप जाके, मतलब हमारे चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। yes, दो वीडियोस बनाई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बाकी मेन चीज के बारे में बात करते हैं जिसके लिए जैस्मिन जी को बुलाया, जिसका हिसाब किताब बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा हिसाब किताब है। तो हमारे खर्चों के बारे में जरा बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े और सबसे मेन खर्चे के बारे में, जो होना ही होना है हर महीने, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई भी निचोड़ नहीं है। मतलब जिसका घर होता है उसकी मॉर्गेज जाती है, और जिस हमारे जैसे वालों का जिनका घर नहीं होता उनका रेंट जाता है। तो हमारा रेंट जो है वो कितना, $2,300 पर मंथ हमें रेंट देना होता है। ये बेसिकली एक टाउन हाउस है जिसके अंदर दो बेडरूम्स हैं, एक लिविंग रूम है, एक किचन है ऑब्वियसली, और तीन वॉशरूम्स हैं, तो उसका $2,300 रेंट है। अगर यही घर 4-5 साल पहले लेते तो मे भी $1,400-$1,500-$1,600 पर मंथ में मिल जाता, लेकिन आज के टाइम पे कनाडा में थोड़ी सी महंगाई हो रखी है, तो $2,300 पर मंथ हमें इसका रेंट देना पड़ता है हर महीने, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चुभता है। और इसके अंदर यूटिलिटीज इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से हमें देनी पड़ती है। यूटिलिटीज का जो खर्चा है वो जैस्मिन जी बताएंगी। तो यूटिलिटीज का टोटल मिला के जो हमारा खर्चा है वो है $200। या तो बेसिकली तीन चीजें होती हैं यूटिलिटीज के अंदर, मेनली आपका हाइड्रो जो कि बिजली का बिल होता है, पानी का बिल, और जो हीटिंग होती है उसका भी अलग से बिल आता है। तो हाइड्रो का हमारा अप्रॉक्सीमेटली $80-$100 के बीच में आता है, और पानी का और हीट का मिला के भी $100 आता है, तो महीने के $200 वो भी देने पड़ते हैं, और साथ के साथ इंटरनेट भी होता है। हाँ यार, इंटरनेट का हमारा $70 जाता है, जो हमारा किसके साथ है, वर्जिन का हमारा है हिसाब के साथ। तो इतना हमारा महीने का खर्चा होता ही होता है घर से रिलेटेड। और उसके बाद अगर जैसे कि हमारे पास इंटरनेट है, आप कहीं बाहर जाते हैं तो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे फोन बिल्स अपने अपने अलग हैं। लेकिन तो उसके लिए अलग जगह पे बैठ के बात करेंगे, बैकग्राउंड अलग करना भाई। अरे भाई, अब ये इंसान मुझे पूरे घर में चक्कर दिलवाएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने फोन बिल्स की। जो मैं पर्सनली अपने फोन का बिल पे करती हूँ वो है $80, क्योंकि मैंने उसके साथ फोन लिया था। क्योंकि पता ही है लड़कियों का हिसाब किताब, आईफोन 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro++ Max लेना ही है, उसके बिना इनका गुजारा नहीं है। और उसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहूंगी, मुझे कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलता है, तो 80 से भी महंगा था, तो उस पर मुझे $30% ऑफ मिला हुआ है। सो थोड़ा सा पैसे बच जाते हैं। और मेरा जो फोन का बिल आता है महीने का वो आता है $65, तो टोटल हमारा मिला के $150 के आसपास आ जाता है। उसके बाद जो मेन खर्चा आता है वो आता है हमारी गाड़ी का। अब आप लोगों को पता ही है, मैंने प्रॉपर वीडियो वगैरह बनाई थी कि मैंने कोई भी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे नहीं ली है, कोई भी फाइनेंस नहीं कराई है, मैंने पैसे इकट्ठे किए और फिर कैश पे गाड़ी खरीदी थी। तो मेरा मंथली कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाती गाड़ी की, सिर्फ एक इंश्योरेंस जाती है जो कि कनाडा के अंदर जरूरी है, नेसेसरी है, वो तो देनी ही पड़ेगी। तो मेरी जो मंथली गाड़ी की इंश्योरेंस जाती है वो जाती है $256। और वो जो $256 है वो हम दोनों की मिला के इंश्योरेंस है। या और वो कम हो सकती थी, लेकिन अगर मेरा हिस्ट्री में, मतलब स्टूडेंट टाइम पे एक एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मे बी 200 होती, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी $256 पर मंथ है। और साथ के साथ एक और इंश्योरेंस जाती है हमारे, हमने जो घर रेंट पे ले रखा है तो उसका टेनेंट इंश्योरेंस जाती है, जो कि $50-$55 के आसपास है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। हाँ, मतलब महीने का मेरा जो टोटल इंश्योरेंस से बिल कटता है वो $310 कटता है इकट्ठा, गाड़ी का और हमारे टेनेंट इंश्योरेंस का। तो ये हिसाब किताब है हमारे इंश्योरेंस का। और एक और खर्चा हमारा जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ, पहले वो नहीं था, वो हमारे जिम का। हाँ वो, और इसमें से एक बात और बताना चाहूंगी, अगर हम कंसिस्टेंट नहीं होते ना तो वो बहुत ज्यादा चुभता है, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। हमारा जो खर्चा महीने का जिम का वो है $50 पर मंथ, मतलब $25 बाई वीकली कटता है, तो $50 इनका, $50 मेरा, तो हमारा $100 महीने का सिर्फ जिम की तरफ जाता है, तो इसलिए हम उसको रेगुलर जाते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और डोले छोले तो बन नहीं रहे लेकिन पतले होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियोज के थ्रू दिखाई देता है कि मेरा वेट लूज हुआ है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। अगला बड़ा और सबसे मेन जो खर्चा होता है हमारा वो होता है ग्रोसरी का, जो हर महीने आती है, जो भी सौदा वगैरह हम घर लेके आते हैं, और उसका जो खर्चा होता है वो यही बताएंगे क्योंकि इनका डिपार्टमेंट है, तो बताओ।
तो मंथली हमारे जो ग्रोसरी का खर्चा होता है वो आता है $500, पर ऊपर से जैसे कभी कभी 500 के बाद भी कोई चीजें होती है, अंडे खत्म हो गए, दूध खत्म हो गया, ब्रेड नहीं है, या तो फिर इंडियन स्टोर से बिस्किट लेके आने, बिस्किट लेकर आने हैं या कुछ भी वट एवर, वो जो छोटा मोटा चलता रहता है उसके $200 अलग से लग जाते हैं, तो टोटल 700 खर्चा आता है। और कभी कभी इससे कम भी आ जाता है, जब हमें किसी वेकेशन पे जाना है तो पता है इस महीने ग्रोसरी नहीं लानी, तो फ्लक्चुएट होता है अमाउंट, मतलब ये है कि 600 से 700 के बीच में आता ही आता है। ऑन एन एवरेज 700 लगा के चल रहे, कभी कभी 700 भी आ जाता है, किसी महीने 800 भी आ सकता है और किसी महीने 600 आ जाता है। एक और हमारा खर्चा होता है जो कि होता है गैस का, गैस मतलब पेट्रोल का खर्चा हर महीने का होता है, वरना लोग सोचेंगे जो एलपीजी लगती नहीं, नहीं, नहीं वो इंडिया में लगती होती थी गैस में। नहीं, यहाँ पे पेट्रोल को गैस कहते हैं। तो बेसिकली मेरे को ऑफिस जाना होता है या फिर हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, इधर उधर जाना है, या फिर जैस्मिन जी भी काफी बार गाड़ी लेके जाती है, कभी नेल कराने चली गई, कभी कहीं चली गई, और भी शॉपिंग भी काम होते हैं। हाँ, अपने काम पे भी जाती हैं, जॉब पे भी जाती हैं कभी कभी, तो महीने का हमारा $300 पेट्रोल का खर्चा हो ही जाता है। मतलब 3 बार मेरा टैंक फुल होता है, $100 में एक टैंक फुल होता है, तो $300 महीने का पेट्रोल का खर्चा हो ही जाता है। और ये नीड वाला पेट्रोल है, मतलब जिसके बिना गुजारा नहीं होगा, ऑफिस तो जाना ही है, जैस्मिन जी को काम पे जाना ही है, नेल आर्ट भी इनका नीड में ही ले लेते हैं तो ये खर्चा होता है हमारा गैस का। बाकी वांट वाला जो गैस का खर्चा है वो अलग है, क्योंकि घूमने फिरने जाना है या फिर एंजॉय करने जाना है, वो अलग हिसाब। हाँ जी, और अब बात करते हैं उन खर्चों के बारे में जो कि बेसिकली अलग सी कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो वांट्स होती हैं, अगर वो खर्चे नहीं भी करेंगे तो भी हमारी जिंदगी चलती रहेगी। अब ऑब्वियसली यार, जिंदगी मिली है वो तो जीनी है ना, तो वो खर्चे करने पड़ते हैं। अरे भाई, खर्चे की बात करते हैं, वो है खाने का खर्चा, ईटिंग आउट, सबसे पहला ईटिंग आउट का खर्चा है। तो लगा लो ऑन एन एवरेज हमारा $150 महीने का हो ही जाता है। वैसे तो हमने काफी कम कर दिया, पहले हमारा बहुत ज्यादा हो जाता था। मतलब मैं बता रही हूँ 2020, मतलब मैं इतनी सीरियस होगी ना, मैं को आगे आना पड़ रहा है, तो मैं बता रही हूँ 2022 में हमने घर में आई थिंक 30 डेज बनाया होगा और पूरा साल हमने बाहर से लाया होंगे हम, राइट? क्योंकि हमें पता नहीं क्या हो गया था, क्योंकि एक्चुअली कभी डिस्कस करेंगे, कभी फ्यूचर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो कि हम आपके साथ शेयर करें, वो हमारे चैनल पे शेयर करेंगे, या फिर हम अपनी लाइफ में, हम दोनों की लाइफ में एक माइलस्टोन का वेट कर रहे हैं, जैसे वो माइलस्टोन अचीव हो जाएगा उसके बाद हम वो चीज शेयर करेंगे। ठीक है, वरना अगर आप कमेंट कर दोगे बहुत सारे तो अभी शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी जो अगला जो हमारा खर्चा आता है वॉन्ट्स वाला, वो है पेट्रोल का खर्चा, जो कि $200 है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वीकेंड पे मन कर गया कि एलोरा जाना है या फिर अल्मायरा जाना है या फिर कहीं और जाना है घूमने फिरने, कभी कभी जैस्मिन जी कह देती हैं जब उनको जॉब से लेने जाओ ना, कहती हैं ड्राइव पे चले थोड़ा आधा घंटा, तो वो भी पेट्रोल का खर्चा वॉन्ट है, वो नहीं भी करेंगे तो भी जिंदगी चल जाएगी, लेकिन जरूरी भी एक तरीके से। तो ऑन एन एवरेज $200 पेट्रोल, वो भी लगा लो हमारे वॉन्ट्स के अंदर। और उसके बाद इनका मेन खर्चा जो कि शॉपिंग, आप नहीं करते, आज इसमें से टैग उतारा आपने, झूठ मत बोलना। तो महीने का ऑन एन एवरेज हमारा 150 हो जाता है, कभी कभी 180 हो गया, कभी कभी 200 हो गया, और किसी किसी महीने हमने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की तो बिल्कुल $0 होता है। तो ऑन एन एवरेज महीने का $150 हम दोनों को मिला, वैसे ऐसा रेयर होता है या, लेकिन ऑन एन एवरेज 150 लेके चलो हमारी शॉपिंग का, ज्यादा खर्चा नहीं करते क्योंकि सस्ते कपड़े खरीदते हैं हम, जैस्मिन जी तो भाई बहुत ही सस्ते खरीदती हैं। उसके बाद एक और खर्चा आता है जो कि वॉन्ट्स में इंक्लूड कर सकते हो, वो है मिसलेनियस। बेसिकली कभी किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया या फिर जिंदगी में कुछ हो गया या फिर कोई एकदम से अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, तो वो हम $200 लगा के चलते हैं। ऐसा कोई हार्ड नंबर तो है नहीं कि देखो जी $231 ही महीने का हमारा खर्चा होता है या फिर हम कोई एक्सेल शीट फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली दिवाली आई है, राइट? हमें दिवाली के गिफ्ट्स देने थे, वो भी हम मिसलेनियस में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि अब क्रिसमस आ रहा है तो अपने जैसे भी देने होते हैं गिफ्ट्स वगैरह एम्प्लॉइज वगैरह को या फिर मैनेजर को, तो ये सारे खर्चे होते हैं। तो ऑन एन एवरेज $200 मिसलेनियस हमारा खर्चा हो ही जाता है। इसका टोटल करो भाई, अब सारे खर्चे हो गए हमारे, भाई आप करो, आपका हिसाब किताब ज्यादा है ना। एक मिनट टोटल करके बताते हैं, 70 + 150 = 310। तो बेसिकली यार $4,830 हमारा महीने का खर्चा हो ही जाता है ऑन एन एवरेज। कभी कभी इससे ज्यादा हो जाता है, कभी कभी इससे कम भी हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसके आसपास ही रहता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली लगा लो महीने का $5,000 हमारा खर्चा हो जाता है। तो अगर एक कपल को कनाडा के अंदर एक बेसिक सा लाइफस्टाइल अफोर्ड करना है तो आपको $5,000 महीने के चाहिए ही चाहिए, चाहे लड़का कमाए चाहे लड़की कमाए या फिर दोनों मिलके कमाए। तो ये हिसाब किताब, आज के टाइम पे पता है आपको कनाडा के अंदर काफी सारी चीजें महंगी हो रखी हैं, तो इसी की वजह से ये 5,000 है। अगर मान लो मिनिमम वेज पे काम कर रहे होते इन केस, तो 2,000 ये कमा रही होती, 2,000 मैं कमा रहा होता, तो टोटल 4,000 आते, तो ऐसा लाइफस्टाइल भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता। तो आप देख ही सकते हो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कनाडा आने की, तो देख सकते हो कि यार अगर आप मिनिमम वेज का माइंड में सोच के आ रहे हो कि भाई कनाडा के अंदर तो मिनिमम वेज वाला कल्चर है, कोई भी जॉब दिक्कत आएगी, कोई भी जॉब कर लेंगे,
सर्वाइव करने के लिए ठीक है कि बेसिक बेसिक आप खर्चे निकाल लोगे, बेसमेंट में रह लोगे कि रेंट कम है, गाड़ी नहीं खरीदोगे, ग्रोसरी थोड़ी सी बेसिक बेसिक ले आओगे, ज़्यादा घूमने फिरने नहीं जाओगे तो सर्वाइव कर लोगे, लेकिन यार सर्वाइव करने के लिए थोड़ी कनाडा आ रहे हैं, ठीक है, तो इतना खर्चा होगा, इसके लिए आपको अच्छी अच्छी जॉब चाहिए या फिर कोई ना कोई बिजनेस चाहिए या फिर कोई ना कोई इनकम का सोर्स चाहिए, राइट। तो ये हिसाब किताब है। बाकी एज अ कपल हर महीने हम कनाडा के अंदर किस तरीके से अपने कुछ डॉलर सेव कर पाते हैं उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी। बाकी अगर आप कनाडा आने वाले और ये जानना चाहते हो कि यहां आने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, और यहां आने के बाद बहुत ही जरूरी चीजें जो आपको करनी होती हैं वो जानने के लिए आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।